उधर पटियाला 3,807 सिक्ख्या प्रोवाइडर वालों सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया गया, जिथे पीपीसीसी प्रधान यानी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की रिहायश बारे प्रदर्शन होया ते मंगा वल ना ध्यान देने के इल्जाम सरकार ते लगाए गए। साढ़े सहयोगी बलिंदर साढ़े नाल इस खबर से जुड़ चुके हैं। बलिंदर की कुछ जानकारी, सिक्ख्या प्रोवाइडर का यह धरना नवजोत सिंह सिद्धू की रिहायश बाहर। जी देखो अमृत दसना चाहूंगा कि पहला सब तो पहला यह जिहड़े सिक्ख्या प्रोवाइडर अध्यापक है पटियाला के बस स्टैंड के पुल के नीचे इकट्ठे हुए, तो उस तो बाद पटियाला की सड़क से रोस मार्च करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइश के बाहर जाके यही मांग कर रहे हैं कि असीं लंबे समय तो सरकारों तो यही मांग कर रहे हैं कि असीं जो स्कूलों के शिक्षा दे रहे हैं वो कच्चे तौर पर असीं जिहड़े हैगे जॉब कर रहे हैं, सानू रैगूलर किया जाए। सरकार वालों लगातार इन्हां नाल गलबात भी की जाती है, लेकिन जिहड़ी गलबात है किसी सिरे ना चढ़ते हुए अज पटियाला की सड़कों के वालों रोस प्रदर्शन किया। नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर भी जिहड़ा हैगा रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस वालों इन्हां नूं समझा बुझाया जा रहा है, गलबात की जा रही है प्रशासन वालों कि इन्हां नूं समां दिता जाए ता जो अपनी जिहड़ियां गल्लां ने अगे जाके शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक रख सकन। फिलहाल धरना जिहड़ा जारी है, लेकिन उड़ीक कर रहे हैं शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक कोई ना कोई साडे कोल गलबात करे ता जो असीं अपना दुख दर्द जिहड़ा हैगा इन्हां दे विभाग के बड़े अधिकारियों नूं जाके दस सकीए। जी अमृता, फिलहाल प्रदर्शन जारी है, कितनी देर का समा कह रहे ने? देखो कोई ना कोई जो अधिकारी नवजोत सिंह सिद्धू के जिहड़ा घर भी है ऑफिस भी है अधिकारी आके इन्हां नाल गलबात करके इन्हां नूं कोई समा नहीं दिंदा। फिलहाल तो इन्हां दा कहना है साडा धरना जारी है। बहरहाल हुण इह देखणा होगा कि पटियाला प्रशासन या कोई होर अधिकारी इन्हां नाल उच्च अधिकारियों नाल गलबात या कोई पैनल मीटिंग करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन फिलहाल धरना जिहड़ा हैगा जारी है। बिल्कुल बलिंदर, इन्हां दा कहना कि सिक्ख्या प्रोवाइडर दा, ओह वी दर्शकां नूं सुना दिंदे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तुहाडे वल्लों दित्ती जानकारी दा। मेरा नाम गुरदीप कौर है जी। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3,307 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ 10 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 2016 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ MHRD ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।